Hello students, today we will discuss writing the chemical formula of divalent metal oxide, divalent sulfide and divalent chloride. जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे divalent metal oxide, magnesium oxide. इसका formula, chemical formula कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं. First of all, अगर हम बात करें step first यही होगा कि उसमें कौन कौन से atom कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है. ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, उसके सिंबल को लिखेंगे, मैग्नीशियम का एम जी, ऑक्सीजन का ओ. ओके, नाउ स्टेप टू, अब हम इनकी वैलेंसी को वहां पे शो करेंगे. अगर बात करें वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम तो वो होगा 2, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन वो भी 2 होगा. तो फिर हम इसकी वैलेंसी को लिखेंगे, मैग्नीशियम की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी. लेकिन इसको लिखते वक्त ध्यान रखेंगे कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होगी उसको हम एज सब सुपरस्क्रिप्ट लिखेंगे, मतलब ऊपर की तरफ 2. इस तरह से ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है उसको भी एज सुपरस्क्रिप्ट ऊपर की तरफ लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है 2 और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है 2, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे. मतलब ये ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो मैग्नीशियम के पास और मैग्नीशियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के पास चली जाएगी. अब जो ये वैलेंसी एज सब सुपरस्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, अब इसको हम एज सबस्क्रिप्ट लिखने वाले हैं. मतलब ये जो मैग्नीशियम के पास जो वैलेंसी आएगी ऑक्सीजन को वो ऊपर की तरफ लिखते हुए नीचे की तरफ लिखेंगे Mg2. इसी तरह से ऑक्सीजन का मैग्नीशियम वाला O2. अब हम देखें Mg2O2, इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 2. तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे बाई डिवाइडिंग कॉमन फैक्टर 2, ये क्या होगा MgO. ये जो MgO है ये हमारा केमिकल फार्मूला फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा. तो इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ये स्टेप बाय स्टेप हम इसलिए लिख सकते हैं. नेक्स्ट है कॉपर सल्फाइड. अब कॉपर सल्फाइड का जो स्टेप होगा वो भी बिल्कुल इसी के तरीके से होगा. ओके, अब हम बात करें कॉपर सल्फाइड. इसमें सबसे पहले ये देखेंगे एलिमेंट्स कौन से हैं. फर्स्ट एलिमेंट कॉपर एंड सेकेंड सल्फर. फिर नेक्स्ट स्टेप वैलेंसी ऑफ कॉपर 2, वैलेंसी ऑफ सल्फर 2. तो इसके वैलेंसी को एज अ सुपरस्क्रिप्ट 2 यहाँ लिखेंगे, सल्फर का भी एज अ सुपरस्क्रिप्ट 2 यहाँ लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेप को फॉलो करना है, दोनों की वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी. मतलब ये जो कॉपर की वैलेंसी 2 है वो सल्फर के पास आ जाएगी और जो सल्फर की वैलेंसी 2 है वो कॉपर के पास आ जाएगी. बट यहाँ पे जो वैलेंसी एज ए सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसको हम एज ए सबस्क्रिप्ट लिखने वाले हैं. मतलब कॉपर की जो वैलेंसी होगी वो सॉरी सल्फर की जो वैलेंसी है वो कॉपर के पास आ जाएगी और कॉपर की वैलेंसी 2 सल्फर के पास आ जाएगी. बाद में अगर देखें यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स 2 से हम डिवाइड करें तो जो हमारा फॉर्मूला होगा कॉपर सल्फाइड का वो हो जाएगा CuS. तो दिस इज केमिकल फॉर्मूला फॉर कॉपर सल्फाइड. नाउ वी विल डिस्कस मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और क्लोरीन का. ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2. अब हम इसमें बात करें तो एक एलिमेंट हो जाएगा मैग्नीशियम और दूसरा एलिमेंट हो जाएगा क्लोरीन. ओके, एंड वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विल बी 2, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विल बी 2, उसको एज ए सुपरस्क्रिप्ट लिखने वाले हैं. नेक्स्ट वैलेंसी ऑफ क्लोरीन विल बी 1, तो इसको हम एज ए सुपरस्क्रिप्ट Cl1 ऐसे लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे. नाउ वैलेंसी ऑफ 2, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1, अब इसको इंटरचेंज करेंगे. मैग्नीशियम की जो वैलेंसी 2 है वो क्लोरीन के पास आएगी, क्लोरीन की जो वैलेंसी 1 है वो मैग्नीशियम के पास आएगी. तो फिर जब ये इसके पास आएगी तो इसको एज सबस्क्रिप्ट लिखने वाले हैं. यानी क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के पास आएगा तो Mg1 लिखेंगे और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के पास जाएगा तो Cl2. तो यही अब हम देखा है तो इसमें कोई फैक्टर नहीं, ये 1 है ये 2 है. तो इस तरीके से देखा तो इसको हम डिवाइड किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते. तो बाद में इसी को हम अगर वहाँ से डिवाइड करें तो ये चीज हो जाएगा MgCl2. तो ये MgCl2, दिस इज फार्मूला, केमिकल फार्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड. तो इस तरीके से
डाइवेलेंट मेटल ऑक्साइड का जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, डाइवेलेंट सल्फाइड कॉपर सल्फाइड CuS एंड मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इस तरीके से इसका केमिकल फार्मूला इजीली लिख सकते हैं। ओके थैंक यू।